नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर हमारे पास होंगे तो कैसे उनकी कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। देखिए तो पहला कैपेसिटर जो बनता है इट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कैसे होता है, दो पैरेलल प्लेट होंगी, मान लेते हैं इट इज़ ए बी। सिंपल है, दो प्लेट मान लेते हैं, दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, और ये पार्ट क्या होता है इसका, ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना है, डी मान लेते हैं, और इनका सरफेस एरिया जो है वो ए मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिख लीजिए, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग विड्थ डी बिटवीन द प्लेट एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो आपको निकालना है कैपेसिटेंस क्या है इसका। कैपेसिटेंस का सीधा सा फार्मूला बनता है हमारा, इट इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो आपको सिंपल वी निकालना है, चार्ज आपको गिवन होगा, वी निकालने के बाद आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो इस फार्मूले में पुट करके। हमने एक रिलेशन किया था, ये भी पढ़ा हम लोगों ने कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, इट इज़ ई इन बिटवीन द प्लेट। तो ई और वी में रिलेशन क्या है, एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी आर। इसको सिंपल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी बाई डी आर क्या डिस्टेंस है, ये भी डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से वी का फॉर्मूला निकाला जाए तो इट इज़ ई डी, सिंपल फॉर्म में ई इंटू डी। एंड वट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द टू प्लेट ऑफ डिफरेंट चार्जेज, एक पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव। अगर आपको याद हो बाई गोजला सिग्मा बाई एप्साइलन नोट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, हमने वहाँ पे गोजला से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जगह पे हमने निकाली हुई वैल्यूज़। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, कितना चार्ज कितने एरिया पे आया हुआ है, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, देखिए ई इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगी, क्यू बाई ए एप्साइलन नॉट, क्यू बाई ए एप्साइलन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सिग्मा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू कितना होगा, वी इज इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्यू बाई ए एप्साइलन नॉट इंटू डी। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। तो अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना हो, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी ले सकते हैं, क्यू बाई वी। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, सी इज इक्वल टू क्यू, वी क्या है क्यू बाई ए एप्साइलन नॉट डी, क्यू से क्यू काट दें, सी इज इक्वल टू क्या बचा ए एप्साइलन नॉट बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। देखिए कोई भी कैपेसिटर उसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, हमारे पास एक प्लेट होगी, उसके पास एक और प्लेट रखा जाएगा, उसको अर्थ किया जाएगा और उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखिए हम स्फेरिकल की बात करते हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है या स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास, मान लेते हैं ऑफ रेडियस आर ए, आर वन लेते हैं ऑफ रेडियस आर वन, इसको मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक और स्फीयर रख दिया, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक स्फीयर्स। कोसेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर पॉइंट क्या हों, सेम हों। इसका रेडियस मैं आर टू ले लेता हूँ, आर टू रेडियस। अब इससे क्या होगा, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है
तो इस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेम कंडीशन है जो हमने पहले प्रिंसिपल में किया हुआ है, ठीक है। इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, और बाहर क्या हो गया, इसके पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो बाहर वाले सेक्शन को क्या करते हैं लोग, ग्राउंड कर देते हैं। जहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, सारा ग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो आपको सिंपल है, दो सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो पोटेंशियल इनके बीच का निकालना है, इट इज़ वी ए, एक पोटेंशियल बाहर का निकालना है, इट इज़ वी बी। तो नेट पोटेंशियल चेक करना है कितना वैल्यू आएगा, तो लिख लीजिए एक बार, लिखो वी हैव, दो स्फीयर मान लेते हैं, इट इज़ एक्स स्फीयर, इट इज़ वाई स्फीयर। लिखिए वी हैव ए स्फीयर, वी हैव ए मेटेलिक स्फीयर एक्स ऑफ रेडियस आर वन हैविंग प्लस क्यू चार्ज, हैविंग प्लस क्यू चार्ज। आगे लिखिए वी प्लेस अनदर स्फीयर विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द फर्स्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर टू, ऑफ रेडियस ए आर टू, सो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर वाई, ऑन द स्फीयर वाई, जो आउटर स्फीयर है हमारा, ऑन द स्फीयर वाई, एंड वी कनेक्ट दिस स्फीयर विद ग्राउंड, वी कनेक्ट दिस स्फीयर विद ग्राउंड, ओके। अब इनके बीच का निकालना आपको, देखिए सिंपल सा फॉर्म है भाई, पहले तो वी ए निकालना है। हमने बोला था कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस का सिंपल सा फार्मूला है क्यू बाई वी, वी निकाल लेते हैं। तो पहले तो वी ए निकाल लेते हैं, इनसाइड द, इनसाइड दिस गैप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल दो बन रहे हैं, एक पॉजिटिव की वजह से बन रहा है और एक नेगेटिव की वजह से बन रहा है, तो पक्की बात है माइनस ऑफ की वैल्यू आएंगी। तो बड़ी कौन सी होगी, इसका रेडियस कम है, इसका वैल्यू पोटेंशियल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस बड़े रेडियस वाला। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, 1/4πε₀Q/r₁ - 1/4πε₀Q/r₂। माइनस क्यों लिखा मैंने, दो चार्ज यहाँ पे है ये उतना ही है जितना उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन विद नेगेटिव साइन है, तो माइनस का लिख दिया मैंने यहाँ से। तो वी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 कॉमन निकाल लेते हैं, Q/4πε₀1r₁ - 1/r₂। एलसीएम ले लेते हैं इसका, वी इज इक्वल टू कितना होगा, Q/4πε₀r₁r₂, यहाँ पे आएगा r₂ - r₁। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए, या इन दिस गैप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए। अब निकालते हैं वी बी कितना होगा, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। अगर बाहर चार्ज ही नहीं है तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। कितना होगा, बाहर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ इसका, देखिए तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू, सिंपल सकते हैं वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस ए वी बी, क्योंकि वी बी जीरो है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, क्यू बाई 4πε₀, यहाँ पे होगा r₂ - r₁/r₁r₂, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, इट इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, सी का वैल्यू कितना होगा क्यू, वी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए क्यू बाई 4πε₀, यहाँ पे लिखेंगे r₂ - r₁/r₁r₂। तो q से q काट दें, कितना होगा यहाँ से, c इज इक्वल टू 4πε₀r₁r₂/r₂ - r₁। दिस इज द
कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जो किसी भी शेप का हो सकता है। पहले क्या निकालिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए, नेट पोटेंशियल कितना होगा, फिर इसको चार्ज से डिवाइड कर, चार्ज को उस पोटेंशियल से डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत से कैपेसिटर होंगे, उनको एक साथ जोड़ना हो तो जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है, इट इज सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन। एक बार हम इस कम्बिनेशन के मीनिंग को समझ लेते हैं, देखिए, क्योंकि बहुत से आगे के टॉपिक भी आएंगे, हमको रेजिस्टेंस भी जोड़ने होंगे, बैटरीज को भी जोड़ना होगा, इंडक्टर को भी जोड़ना होगा कम्बिनेशंस के अंदर। तो एक बेसिक सा तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक होता क्या है, पहले तो पता होना चाहिए बेसिक क्या है इनके बीच का, कम्बिनेशन होता क्या है एक्चुअल में। देखिए सीरीज कम्बिनेशन कैसे करते हैं हम लोग, आपने देखा हो घरों में हम जब हमारे पास एक पानी की मोटर लगी होती है, ये पंप है, इट इज़ वाटर पंप। इससे मैंने क्या किया, एक पाइप को जोड़ा हुआ है, ठीक है, इट इज़ ए सिंपल पाइप, वाटर पाइप। अब ये पाइप छोटी रह गई तो हमने क्या कर दिया, एक और पाइप जोड़ दिया, और छोटी रह गई तो एक और पाइप जोड़ दिया। हम घरों में ऐसा करते हैं, हमने एंड टू एंड पाइप को जोड़ा हुआ है। जब हम एंड टू एंड पाइप को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कम्बिनेशन। अब इस मोटर की वजह से पानी फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से, पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये पाइप ए मान लेते हैं, ये पाइप बी मान लेते हैं, ये पाइप सी मान लेते हैं। देखिए इस सिंपल से एग्जांपल को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे या हमारे फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। फ्लो कौन कर रहा है, पानी कर रहा है। हमारे यहाँ पे फ्लो कौन करता है, चार्ज करता है या करंट करता है, तो हम पानी को चार्ज या करंट मान सकते हैं। दूसरी बात, जो ए बी सी है इन पे प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा, ए पे बी पे या सी पे। देखिए प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होता है, पानी फ्लो करता हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पक्की बात है, ए का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, एज़ कम्पेयर टू सी। पानी वैसा फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी तीनों का प्रेशर क्या है, डिफरेंट है भाई, P1, P2, P3। यानी बोल सकता हूँ P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। तीनों का प्रेशर क्या है, डिफरेंट है, P1 का बड़ा है P2 से, P2 का बड़ा है P3 से, ठीक है। तो चार्ज हमने बोला था, पानी को किसको मानना है आपको, पानी जो फ्लो कर रहा है वो चार्ज है या करंट है। प्रेशर किसकी वजह किसको मान रहे हैं, चार्ज फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पक्की बात है प्रेशर किसको मान रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल को मान रहे हैं। चार्ज फ्लो करता हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर हम सीरीज कम्बिनेशन करते हैं, देखो क्या होगा इसके अंदर, जितना पानी यहाँ से एंटर किया है उतना ही पानी यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिट करेगा। यानी पानी टोटल अमाउंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। प्रेशर क्या हो गया, वेरिएबल। यानी बोल सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन के अंदर चार्ज हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है टोटल चार्ज, और टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल इज वेरिएबल। इतना सिंपल सीरीज कम्बिनेशन एंड टू एंड जोड़े गए हम लोगों ने। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी है भाई, सेकंड पार्ट है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन देखो सिंपल है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, अब वही है, एक पानी की पाइप आ रही है, ये एक बीकर है और सारा पानी इस बीकर में जा रहा है। बीकर कोई भी नाम दे देते हैं, बीकर को अभी नाम दे दिया नहीं हम लोगों ने, सारा पानी कहाँ जा रहा है, इस बीकर के अंदर। हमारे पास एक और बीकर है जिसको बिल्कुल साइड में रखा गया है, यहाँ पे एक बीकर यहाँ पे रखा गया मैंने, अब नाम दे देते हैं इसको, ये बीकर ए है, ये बी है, ये सी है। मैं चाहता हूँ कि
तीनों के अंदर एक साथ पानी आए, तो मैंने क्या किया, इस पाइप में यहाँ से कट किया और एक और पाइप जोड़ दी मैंने, ऐसे यहाँ से कट किया एक और पाइप जोड़ दी। अब जो पानी सारा यहाँ पे जा रहा था वो तीन भागों में बटना शुरू हो गया। तीन भागों में क्या हो गया, पानी बट गया। मतलब क्या इस बात का, इसको बोलते पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ये पूरा पानी क्या हो गया, तीन भागों में बढ़ चुका है। क्या अब पानी की वैल्यू क्या इसके लिए सेम है, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे कुछ पानी यहाँ पे चला गया, कुछ पानी यहाँ पे चला गया, कुछ पानी यहाँ पे चला गया। क्या तीनों बीकरों के लिए प्रेशर सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, चार्ज इज वेरिएबल, चार्ज बट रहा है, चार्ज इज वेरिएबल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि किसको मान रहे हैं, प्रेशर को पोटेंशियल मान रहे हैं, पानी को चार्ज मान रहे हैं या करंट मान रहे हैं। तो इसमें पानी बट गया हुआ है, पानी बटा, पानी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। प्रेशर सेम है, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ये चार्ज है, चार्ज बटा हुआ है, चार्ज इज वेरिएबल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, को है क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज इज वेरिएबल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो इसी सोच से हम क्या करते हैं, टॉपिक करते हैं सारे ये। तो पहला टॉपिक करते हैं हम लोग, इसका पहला पॉइंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार लिखिए, क्या लिखेंगे इसको, एंड टू एंड कनेक्शंस, एंड टू एंड कनेक्शन, कनेक्शन एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखिए दोबारा से, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे लिखिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। चार्ज क्या रहता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और पोटेंशियल क्या होता है, वेरिएबल होता है। कैसे, सिंपल जोड़ेंगे, हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, हमने क्या इन कैपेसिटर को एंड टू एंड जोड़ा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस मैं C1 ले लेता हूँ, इसका C2 है, ये C3। इसको मैंने दिया यहाँ से, मान लेते हैं प्लस Q चार्ज, कितना दिया इसको, प्लस Q चार्ज। तो सारा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, उतना ही चार्ज नेगेटिव यहाँ पे बना, उतना ही पॉजिटिव बनेगा जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, फिर यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे बना जो ट्रांसफ़र हुआ नेक्स्ट प्लेट पे, उतना ही नेगेटिव यहाँ पे बना, और ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ नेक्स्ट प्लेट पे, जो जुड़ा हुआ कहाँ पे, ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो इसके बीच का नेट पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, टोटल पोटेंशियल वी मान लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इट इज़ वी, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। इंडिविजुअल का अलग होगा हर एक का, तो पता है सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, वेरिएबल होता है, इट इज़ V1, V2 एंड ए V3, V1, V2 एंड ए V3। डायग्राम बनाइएगा ये वाला, लिखिए। देखो करने का तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन का कोई भी तरीका क्या है, जो भी वेरिएबल हो उसको लेकर चल पड़ो। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का कॉम्बिनेशन V1 प्लस V2 प्लस V3, देन V इज इक्वल टू। अब V का वैल्यू क्या होता है, V इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, आपको याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू CV। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी वन का वैल्यू कितना होगा, चार तो सेम है, कांस्टेंट क्यू बाय C1। वी टू कितना होगा, चार तो सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है C2। वी थ्री
चार्ज सेम इसके लिए भी, इट इज सी थ्री। और नेट वी कितना होगा, वी इज इक्वल टू, इसका भी चार्ज सेम ही है, क्यू। कैपेसिटेंस सी जो निकालना है किसमें, सी एस ले रहा हूँ, एस फोर सीरीज कम्बिनेशंस, एस फोर सीरीज कम्बिनेशंस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू है क्यू बाई सी एस इज इक्वल टू वी वन क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री क्यू बाई सी थ्री। अब देखो कॉमन निकाल के क्यू सभी के कैंसिल कर सकते हैं, तो वन बाई सी एस इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कम्बिनेशंस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं हर एक कैपेसिटेंस 6 माइक्रो फैरेड का है, हर एक कितना है 6 माइक्रो फैरेड, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालें को देखिएगा। तो 1 बाई सी एस ले लेते हैं, 1 बाई सिक्स प्लस 1 बाई सिक्स प्लस 1 बाई सिक्स, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 3 बाई सिक्स यानी 1 बाई टू। मेरे को सी एस निकालना हो तो सी एस की वैल्यू कितनी आएगी 2, सी एस का वैल्यू कितना आया 2 माइक्रो फैरेड। यानी मैं बोल सकता हूँ सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जो नेट का रिजल्ट है वो इंडिविजुअल से क्या है छोटा आएगा हमेशा से। इस लाइन को लिखिएगा, इन द सीरीज कम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस हमेशा इंडिविजुअल से क्या आएगी छोटी आएगी, इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशंस। एंड इसका पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, लिख लीजिए एक बार, लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट ऑल कैपेसिटर इन बिटवीन टू पॉइंट्स। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज इज वेरिएबल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज वेरिएबल होता है और पोटेंशियल क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, वी कनेक्ट ऑल द कैपेसिटर बिटवीन टू पॉइंट्स, तो पॉइंट बना लेता हूँ, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ए कैपेसिटर मैंने ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, ए कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ए कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ा हुआ है। वी कनेक्ट ऑल दीज कैपेसिटर सी वन सी टू सी थ्री हैविंग कैपेसिटेंस सी वन सी टू एंड सी थ्री। इस ए पॉइंट से मैंने जोड़ दिया यहाँ पे एक चार्ज क्यू, प्लस क्यू चार्ज। अब देखो प्लस क्यू चार्ज यहाँ से चला और तीन भागों में बढ़ गया, कुछ चार्ज यहाँ पे चला गया, ये नेगेटिव बना पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ पे चला गया बराबर नहीं है पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, कुछ चार्ज यहाँ पे चला गया बराबर नहीं है नेगेटिव यहाँ पे चला गया, दो पॉजिटिव यहाँ पे गए तीन पॉजिटिव यहाँ पे गए तीन पॉजिटिव यहाँ पे गए, यहाँ से कहाँ जोड़ दिया इसको ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू होगी डिफरेंस कितना होगा V। तो ये डायग्राम आपका सी वन सी टू सी थ्री कैपेसिटेंस हैं, तीनों को जोड़ा गया पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, तरीका क्या करने का, जो भी चीज़ वेरिएबल हो उसको लेकर चलो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है चार्ज वेरिएबल है, तो कितना चार्ज गया है सी वन के पास, इसको क्यू वन मान लेते हैं, यहाँ पे कितना गया क्यू टू, यहाँ पे कितना गया क्यू थ्री, नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज क्यू, तीन भागों में बटा हुआ है, कौन से भाग हैं क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मैंने बोला था आपको जो वेरिएबल हो उसको लेकर चलिएगा,
फार्मूला क्या है क्यू का, इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस इट इज सी वी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वन, क्यू वन का वैल्यू क्या होगा इस फर्स्ट के लिए, सी वन वी, वी तो कॉन्स्टेंट है पूरे बॉडी के लिए, पूरे अरेंजमेंट के लिए। व्हाट इज क्यू टू, सी टू वी। व्हाट इज क्यू थ्री, सी थ्री वी, पूरा कंप्लीट डायग्राम के लिए भी क्या है कॉन्स्टेंट है। और नेट Q कितना होगा, ये भी C, C किस में पैरेलल में निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी V क्या है कांस्टेंट है। इस पूरी इक्वेशंस को फर्स्ट में रख देते हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ Q, इट इज़ सी पी वी इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी, वी कॉमन निकाला, V से V काटा, सी पी का वैल्यू कितना हुआ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। This is the capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. वो example कर लेते हैं, इनकी value हमारे पास मान लेते हैं 2 microfarad की है, हर एक की कितनी है 2 microfarad, imagine कर रहा हूँ हर एक की कितनी है 2 microfarad, तो net capacitance कितना होगा, it is 2 plus 2 plus 2, it is 6 microfarad। यानी मैं देख पा रहा हूँ नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए इंडिविजुअल कैपेसिटर। लिख लीजिए इसको, नेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटर, ऑलवेज ग्रेटर देन ए इंडिविजुअल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। देखिए कोई भी कैपेसिटर हमारे पास है, उसका फार्मूला क्या बनता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, यानी हम लोगों ने C और V को मैक्सिम किया था, उसको कैपेसिटी को मैक्सिम किया था, इट इज C इंटू V। हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी सिंपल फॉर्म में वर्क डन हो सकता है, इट इज ए वर्क डन। ठीक है, देख लीजिए, वी हैव ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, we have a capacitor of a capacitance C, then electric potential is, उसका electric potential कितना होगा, electric potential V is equal to, लिख सकता हूँ Q by C। अगर आपको याद हो energy निकालना मतलब work करना, work potential में ही आया था, it is W by Q। तो what is the W, work done, V into Q, क्योंकि चार्ज स्मॉल है, मैं वर्क भी क्या कर लेंगे स्मॉल, मान लेते हैं dW क्या है, इज द स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल चार्ज dQ। इसका मीनिंग क्या है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी मैक्सिम कर दी गई है, अब उसको थोड़ा सा और चार्ज देना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको, उसकी मैक्सिमम लिमिट्स के बाद कुछ और चार्ज को सप्लाई करना है dQ चार्ज, तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा dW मान लेते हैं, तो dW इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ V into dQ, dW इज इक्वल टू V into dQ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dV, dW बराबर कितना आएगा, V कितना है यहाँ से देखिए, V एरा Q by C इंटू डी। हमें पूरा वर्क निकालना हो, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेशन dW, इंटीग्रेशन Q by C इंटू dQ। लिमिट चाहिए तो रख देते हैं, जीरो से कोई चार्ज लेने के जाना है इंक्रीज करना है, जीरो से क्यू तक इंक्रीज करना है मान लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं इस, तो 1/C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना होगा, इट इज Q² / 2, लिमिट क्या रखें, जीरो से क्यू।
W बराबर है क्या लिखेंगे, 1/2 C2 को बाहर निकाल लिया मैंने, अपर लिमिट Q है तो Q स्क्वेयर बना रहेगा, माइनस जीरो का स्क्वेयर करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो W बराबर है कितना आंसर हुआ, Q स्क्वेयर बाई 2C, यानी यही एनर्जी है हमारी, कौन सी एनर्जी है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इट इज़ E, तो E का फार्मूला क्या बना मेरा, E इज इक्वल टू एनर्जी का Q स्क्वेयर बाई 2C, एक फार्मूला तो ये बन चुका है, इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई 2C। और आपको पता भी है कि Q का वैल्यू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो E इज कितना होगा एनर्जी का वैल्यू, सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2C, एक सी से एक सी काट देते हैं, इट इज़ 1/2 CV2, एक फार्मूला बना, E इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2 CV2, दिस इज द सेकेंड फार्मूला। और मैं ये भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1/2 CV into V, तो बना सकता हूँ इसके फार्मूले को भी, 1/2 CV क्या होता है, इट इज़ Q V, दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके।